छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर बाराबंकी में 300 से अधिक कॉलेजों की जांच की जा रही है। शासन के आदेश के बाद डीएम अविनाश कुमार ने जांच के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की, जो एक हफ्ते में इस बात की जांच करके रिपोर्ट देगी कि छात्रवृत्ति में कहीं कोई घोटाला या गड़बड़ी तो नहीं। दरअसल समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से हर साल हजारों छात्र छात्राओं को विभिन्न योजनाओं में छात्रवृत्ति दी जाती है। इस साल भी हजारों बच्चों को छात्रवृत्ति आई है। जांच के लिए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण, डाइट प्रचार, आईटीआई प्रचार, बीएसए, पीओ, नेडा, डीएचओ, डीएसओ, डीपीआरओ समेत अन्य तमाम विभागों के अधिकारियों को कॉलेज आवंटित किए गए हैं। बाराबंकी के जिला समाज कल्याण अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने जिले के 300 से अधिक शिक्षण संस्थानों की जाँच कराने के आदेश दिए। इसमें हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, आईटीआई, मेडिकल इंजीनियरिंग और डिग्री कॉलेजों को शामिल किया गया है। जांच के दौरान नामित अधिकारी छात्रवृत्ति के साथ ही संस्थान की मान्यता, उसमें संचालित कोर्स, सीट, पंजीकरण और रखरखाव समेत तमाम बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जिले में फिनो पेमेंट बैंक के एक एजेंट के यहाँ ईडी ने छापा मारा था, जिसने सैकड़ों खाते खोलकर छात्रवृत्ति की रकम हड़प कर ली थी। इसी के बाद से जिले के तमाम कॉलेज भी ईडी के रडार पर हैं। इसी को लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क है और जांच करवा रहा है। नहीं देखिए, छात्रवृत्ति तो सत्यापन की प्रक्रिया हम लोग की वार्षिक है, ये रूटीन में कराई जाती है। अभी तक कोई इस तरह की गड़बड़ियां संज्ञान में जनपद में नहीं आई हैं। अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी सामने आएगी तो जाँच कराई जाएगी, कार्रवाई भी कराई जाएगी। क्योंकि अब तो छात्रवृत्ति सीधे बच्चे के खाते में भेजा जाता है, धनराशि वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं, कॉलेज से फॉरवर्ड होता है, नैसिक सर्वर पे जाता है, करेक्ट डेटा मिलता है, उसको हम कमेटी से सैंक्शन करा करके फ्रीज कर देते हैं। पैसा विभाग से लखनऊ से जाता है उसके खाते में, बच्चे के डायरेक्ट बच्चे के खाते में पैसा जाता है। तो इसलिए अब गड़बड़ियों की संभावना बहुत कम हो गई। फिलहाल अगर कोई इस तरह की गड़बड़ी किसी भी प्रकार के से निकल के आती है तो उसके लिए हम लोग कार्रवाई के लिए तैयार हैं। बीते दिनों सर जैसे भी हाल ही में एक लखनऊ का कॉलेज भी संज्ञान में आया, ईडी के रडार कॉलेज, उसके बाद सरकार में ज़्यादा सतर्कता बढ़ती है, तो इस बार नियम सामने में 33 दिन शायद बनाए हैं जिस पर जांच करनी है, आप लोगों को रिपोर्ट देनी है, क्या इस बार नहीं? उसे ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं फिरो पेमेंट बैंक की, तो जनपद बाराबंकी के किसी कॉलेज का अभी तक पकड़े इस तरह सामने आया है, उसकी जांच में भी कोई नहीं आया है तथ्य उभर करके। और हम लोग तो हमें सतर्कता बरतते ही हैं, उसके लिए जिलाधिकारी महोदय की तरफ से जो है कमेटी बना करके हम लोग हर वर्ष सत्यापन कराते रहते हैं, एक रूटीन प्रक्रिया है। तो उसी के क्रम में कराया गया है, जो संबंधित हमारी संस्थाएँ हैं सबके लिए एक अलग अलग नोडल अधिकारी नामित करा करके उनके पाठ्यक्रम क्या हैं, बच्चे कितने हैं, सीटों की मान्यता जो एफिलेटिंग एजेंसी उनकी है कितनी मान्यता किस किस पाठ्यक्रम की उनको दी गई है, उसी पाठ्यक्रम में कोर्स उनके चल रहे हैं इत्यादि की ये सत्यापन रूटीन का है, उसी में कराया गया है। ये सत्यापन चल रहा है, रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी।